बॉबी झा एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। ये देखते हैं राजनीति की खास खबर। नशे में धुत युवक ने तेज रफ्तार कार से 5 वाहनों को मारी टक्कर, सीपीयू कर्मियों को भी कुचलने का प्रयास। देहरादून में देर रात नशे में धुत एक रईस जादे ने अपनी जिगुआर कार से एक के बाद एक 5 वाहनों को टक्कर मार, सीपीयू कर्मियों ने उसे रोकना चाहा तो उसने उन्हें भी कुचलने का प्रयास किया। टक्कर मारने का सिलसिला रेस कोर्स से शुरू हुआ। जोगीवाला चौक पर उसे पकड़ लिया गया। घटना में चालक खुद भी घायल हुआ है। उसे कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया गया। चालक की पहचान सौरभ पाल पुत्र सुशील पाल निवासी डोईवाला के रूप में हुई। सौरभ देहरादून से अपने घर डोईवाला जा रहा था। इस दौरान उसने रेस कोर्स में एक विक्रम को टक्कर मार दी। गनीमत रही कि विक्रम पलटा नहीं, लेकिन कई सवारियां नीचे गिर गई। विक्रम चालक ने पुलिस को सूचना दे दी तो रिस्पना पुल के पास सीपीओ कर्मियों ने कार रोकने का प्रयास किया, लेकिन फरार होने की कोशिश कर रहे सौरभ ने उन्हें भी कुचलने की कोशिश की। वहां से निकलकर उसने एक बाइक के कार स्कूटर और एक ऑटो को भी टक्कर मार दी। इसके बाद पवारा चौक पर जमा हुए लोगों ने कार चालक को पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट की। सौरभ की कार लेकर यहां भाग निकला। इस दौरान पुलिस ने जोगीवाला तक नाकेबंदी कर दी। पुलिस ने कार को जोगीवाला पर रोक लिया। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिला हुआ है उन्होंने मांग की कि स्वामी प्रसाद मौर्य को जिसे जिले से बाहर किया जाने का बंदोबस्त किया जाए।